भी लाइफ में अपने आप से मतलब दूसरों को कंपेयर मत करना, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा ग्रेट और सेक्सी हो फाड़ू। क्या हाल है लॉन्डो? तो यार मेरे बहुत से भाई ना मतलब स्टाइल की बेसिक और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि मतलब मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की है मेरे लाइफ में, बट वो मैं तुमसे नहीं होने दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर टाइम की तरह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, वैसे भी तुम लोग को वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मिस्टेक नंबर वन, अपने सारे पैसों को न्यू ट्रेंड्स के ऊपर खर्चा करना। देखो ब्रदर, ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है, बिकॉज ट्रेंड्स तो आते रहेंगे, मतलब आज ये तो कल वो है, बट देखो हमारे पास होते लिमिटेड पैसे। अब ऐसा नहीं कि घर वालों को बोलेंगे और फिर वो तुरंत से पैसे देंगे, बट ब्रो बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो कुछ भी नया आता है, जैकेट हो गया, शर्ट, टी शर्ट, तो वो फटाक से उसको बाय कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज हमें पता भी नहीं वो ट्रेंड आज है या फिर कल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अपने पैसों को सेव कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को कुछ पसंद आ रहा है तो आप लोग उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, बट जरूरी नहीं कि हर बार कुछ आएगा तो आप लोगों को पैसा वहाँ पे स्पेंड करना ही है। मिस्टेक नंबर टू, अब देख भाई, कल ना मेरे फ्रेंड ने बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सा जैकेट पहना था, बहुत ज़्यादा फाड़ू लग रहा था, तो यार मुझे भी ना मतलब वो सेम जैकेट लेना है, कहाँ से लिया था तूने? तो देख भाई, यही पे हमारी बिग मिस्टेक हो जाती है। अब देखो ब्रदर, जरूरी नहीं कि उस बंदे को सही लग रही है तो आप लोगों को भी वो चीज़ सही लगेगी, क्या पता आप लोग उससे भी और ज़्यादा फाड़ू दिख सकते हो। अगर आप लोग कुछ थोड़ा अपने मतलब अपने हिसाब से अपने अपने फैशन गेम को समझ के अगर आप लोग वैसा वेयर करोगे तो आप लोग उससे ज़्यादा फाड़ू दिख सकते हो। बट हमेशा मतलब मिस्टेक क्या करते हैं, वो दूसरों के मतलब अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या फिर दूसरों को देखते हैं कि हाँ भाई इसने ऐसा वेयर किया तो मैं भी सेम ऐसा ही वेयर करूंगा। देखो किस किस सिचुएशन में ये सही भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग अच्छे भी दिख सकते हो, बट हमेशा ये बात समझ लो, आप लोग को दूसरे जैसे वेयर करते हैं वैसा वेयर नहीं करना, तो आप लोगों को अपना खुद का फैशन सेंस वहाँ पे लगाना है और खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, और उसके लिए आप लोग अंकर्ष को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जाओ यार सब्सक्राइब भी कर लो। नंबर थ्री की जो मिस्टेक है वो है ब्रांड्स, ब्रांड्स के लोगोस, ब्रांड्स के टैग। देखो मेरे भाई, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो मतलब देखो जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं ना, तो हम लोग बस पहले ये देखते हैं कि भाई कितने सारे ब्रांड्स के लोगोस दिख रहे शर्ट के ऊपर, ताकि मतलब यार मैं दूसरों को बता सकूं कि हाँ भाई मैं भी ब्रांडेड पहनता हूँ। बट ब्रदर, इस चक्कर में ना आप लोग ब्रांड को तो ज़्यादा विजिबल कर रहे हो, वो बात तो अलग है, बट उसके साथ साथ आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनफिट, या फिर मतलब वो कलर्स या फिर वो जो क्लोथ्स होते हैं वो अच्छे भी नहीं होते, बट सिर्फ ब्रांड्स के चक्कर में आप लोग उसको परचेस कर लेते हो। तो ब्रो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, लोग है ना, लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब मैं ब्रांडेड क्लोथ्स पहनूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत सब लोग बोलेंगे अरे यार ये तो कितना सेक्सी बंदा है। तो ब्रो ऐसी बात नहीं होने वाली। तो देखो आप लोग सॉलिड कलर भी वेयर कर सकते हो, बस उसका फैब्रिक अच्छा होना चाहिए और उसका जो मटेरियल है मतलब वो अच्छा होना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। तो भले आप लोग ब्रांडेड नहीं पहनोगे फिर भी चलेगा, और हाँ अगर आप लोग ब्रांडेड ले सकते हो तो अच्छी बात है, आप लोग ब्रांडेड लो, बट जरूरी नहीं कि हर बार आप लोगों को टैग्स और लोगो शो करने दूसरों को। नंबर फोर की जो मिस्टेक है वो बेसिकली टी शर्ट्स को लेके। देखो टी शर्ट्स को लेके क्यों, बिकॉज ये मिस्टेक मैंने खुद ने भी की है और मैंने देखा भी है, बिकॉज हमें बताने वाला कोई नहीं होता इस वजह से हम लोग ये मिस्टेक करते हैं। वो है, अब देखो टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा सही दिखते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्लासी होते हैं, कोई बात नहीं उसमें मतलब कोई डाउट नहीं, बट मिस्टेक कहाँ पे होती है, जैसे हम लोग टी शर्ट्स लेते हैं मतलब प्रिंटेड वाले, तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जैसे प्रिंट के ऊपर मतलब ऐसा थोड़ा फील करोगे ना उसको, तो रबर प्रिंट होती है और वो थोड़ा सा ऐसा ऊपर के साइड पे होती है, तो ऐसे टी शर्ट्स आप लोगों को नहीं लेने, बिकॉज उसकी क्वालिटी और उसका लाइफ बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसे आप लोग प्रिंटेड टी शर्ट्स को वॉश करोगे ना तो उसका रबर वहाँ से मतलब निकल जाता है और वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। तो आप लोग जो फुल प्रिंटेड आते हैं मतलब कॉटन के अंदर ही उसकी प्रिंट आती है, तो वैसे वाले टी शर्ट्स ले सकते हो, या फिर सिंपल बोलूँ तो आप लोग जो सॉलिड कलर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने प्लेन ब्लैक पहना है, बहुत सिंपल है बट अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे सारे कलर्स आप लोग वेयर कर सकते हो। ब्लैक हो गया, टैन कलर हो गया, कैरमल हो गया, ऑलिव कलर हो गया, लाइट ग्रीन, लाइट ऑरेंज, लाइट पिंक, तो बहुत सारे कलर्स है, तो वैसे सारे सॉलिड कलर्स में आप लोग वेयर कर सकते हो, बट जो प्रिंटेड वाले होते हैं वैसे बिल्कुल भी मत करना। नंबर फाइव की जो मिस्टेक है वो है अपने स्टाइल को दूसरों सेलिब्रिटी या फिर मतलब अपने फेवरेट मॉडल से मतलब कंपेयर करना। देखो बहुत बार क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं मतलब फोटोज देख के कि भैया हमें भी मतलब ऐसे कपड़े पहनने, हमें भी ऐसा दिखना है, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रो, बात यहाँ पे सिंपल है, कभी भी ना मतलब क्लोथ्स हो या फिर कुछ भी हो, आप लोगों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप लोग जब कंपेयर करते हो ना तो वो आप लोग अच्छी बातें नहीं देखते, सिर्फ आप लोगों के अंदर नहीं है वो वाली बातें देखते, जैसे कि मतलब ये मेरे पास नहीं है, अभी मतलब ये इतना अच्छा है तो भाई मेरे अच्छे लुक्स नहीं है, मतलब इसके पास पैसा है इसके लिए ये सब ले रहा है, तो
जितना आप लोग ज़्यादा कंपेयर करोगे उतना आप लोग खुद को कम देखोगे। तो ये बात आप लोग प्रॉपरली समझ लो। अब मुझे पता नहीं बट ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी लाइफ में अपने आप से मतलब दूसरों को कंपेयर मत करना, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट और सेक्सी हो, फाड़ू हो। तो आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ब्रो मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।